प्रणाम। आज कोरोना लॉकडाउन के आत्मचिंतन का दूसरा ऑडियो। आत्मचिंतन यह शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है, परंतु उसका उपयोग करना सरल है और इसका फायदा तो कई गुना है। जैसे आज दुकान तो बंद है, पर फिर भी कई भाइयों ने घर पर अपनी पत्नी, माता एवं बहनों को मदद करने की जगह बैठे बैठे मन में हिसाब लगा लिया होगा। आज हमारे यहाँ गुरुवार को तो इतने बड़े व्यापारी आते थे, आज आए होते तो इतना फायदा होता, इतना व्यापार होता, पर अब क्या, खाली बैठा हूँ। ये है अर्थचिंतन। अभी तो बिस्तर में से नींद पूरी कर आंखें ही खुली है और हमारी बहनें बिस्तर पे ही पूरे दिन का मेनू मन ही मन में बना लेती है। ये हुआ घर काम चिंतन। और घर पर बैठे बच्चे बाहर खेलने या घूमने तो जा नहीं सकते, तो सुबह चाय दूध पीते पीते ही सोच लेते हैं, आज नेटफ्लिक्स की ये सीरीज़ कंप्लीट करूँगा, इंस्टाग्राम पर बिंगो खेलेंगा और इतने सारे फ्रेंड्स को टैग करके चैलेंजेस दूंगा, वगैरह वगैरह। ये हुई टाइम पास करने के तरीकों का चिंतन। पर कई ऐसी भव्य आत्माएं भी हैं जिन्हें टाइम पास करने में रुचि नहीं, बल्कि इस 21 दिन का प्रीशियस टाइम ऐसे ही पास ना हो जाए उसके पहले टाइम नाम की परीक्षा में पास होने के लिए आत्मचिंतन एवं अभ्यंतर तर्क का इन्होंने मार्ग अपनाया है। कुछ समय बुजुर्गों के साथ बैठकर पुरानी भव्य शैली सुनते हैं, तो कहाँ पूरा परिवार साथ में बैठकर सामायिक जाप, नई गाथा और तत्व चिंतन की बातें करते हैं। साथ में कर्म की निर्जरा तो होती है, प्लस सामूहिक पुण्य के बंध का उपार्जन होता है वो अलग। बच्चों के साथ बच्चे बनने की जिंदगी के इस अनमोल अवसर को प्रमाद में गंवा मत देना। और जैसे पूरे शहर और देश सैनिटाइज्ड कर दिया गया है, वैसे अपनी आत्मा को सैनिटाइज्ड करने के ये 21 दिन खाने पीने और सोने में गवा मत देना। परिवार के सुख के लिए पूरी लाइफ पैसे कमाने में बिताने वाले हम ये 21 दिन खुद के और परिवार की आत्मा के लिए जीने मिला है। तब कल हमने देखी थी तीन भावनाएं, अनित्य भावना, अशरण भावना और संसार भावना। आइए आज आगे की भावनाओं की धारा में एक डुबकी लगाते हैं। चौथी भावना, एकत्व भावना। किसी के परिवार से कोई एक पीड़ित व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती हुआ होगा और जब उसके आसपास कोई अपना नहीं होगा, तब जाके एहसास होगा, जिसे मैं अपना मानता था, जिसका दावा करता था कि इसके बिना तो मैं एक घड़ी भी नहीं बिता सकता, वो आज मेरे साथ नहीं, तब समझ में आता है मैं अकेला आया हूँ और अकेला जाऊँगा। मेरे साथ कोई रहेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मा है। पांचवी भावना, अन्यत्व भावना। कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को पता चल जाए अब केस हाथ में नहीं रहा और कभी भी मौत बुलावा दे सकती है, जैसे इंडोनेशिया के डॉक्टर हैदियो अली मरीजों के इलाज करते खुद कोरोना से संक्रमित हुए, उन्हें समझा अब वो नहीं बच पाएंगे, तब अपने घर के दरवाजे पे खड़े रहकर अपनी प्रेग्नेंट बीवी और बच्चों को आखिरी बार निहारा होगा, तब विचार आता है रात दिन की मेहनत, पैसा कमाया सब दूसरों के लिए ही ना, मेरे अपने लिए क्या रखा। और इसीलिए अकेले जीव की इस जीवन यात्रा में पुरुषार्थ और संपत्ति अन्य के लिए बहुत कमा ली, अब अपने लिए आत्मा की संपत्ति बढ़ाने सद्विचार और धर्म करना आज से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी साबिती देने की अब जरूरत नहीं है, हम सब ने अनुभव कर लिया है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इंतजार जरूर करना हमारे अगले ऑडियो का।